दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। मेरी खातिर उसने जॉब छोड़ दी, मेरा घर बचा लिया उसने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत सोच रही हो। बहुत स्मार्ट आदमी था वो, उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए खुद ही चला गया। वैसे भी तुम्हें तो बहुत हमदर्दी है ना उससे, वो नजर आ रहा है मुझे। मुझे हमदर्दी है उसकी बीमार माँ से जो कैंसर पेशेंट है। एक्चुअली हर चीज कारोबारी नहीं होती, कुछ चीजें 2+2 से आगे की होती हैं। तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ उसकी, उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। तुम हेल्प करोगे उसकी? जो उसके ड्यूज है ना वो काइंडली जल्दी क्लियर कर दो, पैसों की जरूरत है उस बेचारे को। 5 लाख का चेक तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। I'm so sorry, मैं ये नहीं ले सकता। और हाँ, लोगों को पहचानने का दावा दुरुस्त नहीं है आपका। मात बेटा जी, एक बात पूछूं? मम्मी मेरी बात सुने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बात करने से परहेज कीजिए, ओके? मुझे पता है बेटा, जब तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना होता ना तो तुम इसी तरह करते हो। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बोलिए क्या बात? बेटा तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मम्मी अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता ना, सलमान साहब उरूज को छोड़ देते हैं। ऐसा क्या हुआ है माद? छोड़े ना अम्मी, बस ये सोचिए कि आपकी बेटी ने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन बेटा तुम परेशान तो हो गए हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा इलाज कैसे करवाओगे बेटा? पहले भी अल्लाह करवाता था, अब भी वही करवाए। आप आराम कीजिए, पीछे लेट जाइए, चलिए लेट जाइए। छोटी बीबी साहिबा, आप नाश्ते के लिए आ जाएं। बड़ी बीबी साहिबा बड़े गुस्से में है,
खैर वो तो हमेशा ही रहती हैं। आप चले, मैं आती हूँ। कहा ना आपसे, आप जाइए, मैं आ रही हूं। जी हेलो, क्या हुआ शांजे, सब खैरियत है इतनी सुबह? मैं बहुत परेशान हूँ रूज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अमार ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी मामा की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है इसमें। मैं इसके लिए स्टैंड ले रही थी और वो खुद ही गेम से निकल गया। अब छोड़ो ये बातें, अभी बस मुझे इतना पता है कि अमाद के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसकी मम्मा कैंसर पेशेंट है, और एक कैंसर पेशेंट के रोजमर्रा के कितने खर्चे होते हैं तुम्हें तो पता ही है ना? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम कर सकती हो शान से, अगर तुम उसे मजबूर करो कि वो मुझसे एक मुलाकात कर ले, मिल तो ले एटलीस्ट, क्योंकि मैं कहूंगी ना तो मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाला। हाँ, मैं कह तो सकती हूँ उसको, लेकिन देखो फिर क्या होता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। मैं करती हूँ कॉल, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, हेलो अमार, नाश्ता कर लें? हाँ, वो मॉम का इंतजार कर। क्या बात है, घर में शोक जैसा माहौल क्यों है? कोई मर गया है क्या? मैं तुमसे मुखातिब हूं अरूज। जी आंटी। अगर मैंने लफ्ज तुम इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब मैं तुमसे मुखातिब हूं। इस तरह तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? तुम दोनों में कोई अनबन हुई है?
नहीं आंटी, वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अजीब लड़की है ये भी, पल पल में अपनी बात बदल लेती है। तुम्हारा ही हौसला है सलमान, जो तुम इस अरूज को बर्दाश्त कर लेते हो। इसकी तो कोई भी हरकत ना ठीक नहीं है। चलो आओ नाश्ता करते हैं। बसाई, नाश्ता लगवाएं। अरुज, ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? हो गया मेरा नाश्ता। पेट भर गया मेरा। देखो भाई, अगर तुमने मुझे मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ बुलाया ना, तो तुम्हें मेरा जवाब पास है। हेल्प के लिए तो बुलाया है मैंने, लेकिन अपनी हेल्प के लिए। और हाँ, दोस्तों के असूल तोड़ने पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखती। That's good. चलो फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ। बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे बताऊंगी। जो कहूंगी मानना पड़ेगा, तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। मान यार, मुझे ये शर्तों पे मत उलझाओ, मुझे सीधे सीधे तरीके से बताओ कि मुझे करना क्या है। एक्चुअली बात ये है अमाद, के ताया जान को बेनकाब करने का पूरा प्लान कर लिया है मैंने, बस वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ताया जान को बेनकाब करने में तुम मेरी मदद कर सको। ओके। और शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी और मेरे लिए काफी नेगेटिव बातें की जा रही हैं, और वो सलमान तक पहुंच रहे हैं। मैं जानती हूँ सलमान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। और बाय द वे, ये सब करने के लिए पैसे दूंगी तुम्हें एज माय केस कंसल्टेंट, इज दैट ओके? ओके, चलो फिर मैं एक काम करता हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे घर पे लेके जाता हूँ जहाँ 65 लाख रुपए का मार्बल बिछाया गया है, वो भी तुम्हारे ताया जान। यही वाला घर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर अगर कोई रहता है तो हमारी मुलाकात हो सकती है? साहब तो घर पर नहीं है। यार, जब भी मैं आता हूँ तुम यही बात बोलते हो कि साहब घर पर नहीं है। जब साहब है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाकर दूँ तुम्हें? देखिए, अगर घर में कोई भी मौजूद है मैं जाकर अंदर मिल लेती हूँ। बीबी, अंदर कोई नहीं है, सिर्फ साहब रहता है जो अभी है ही नहीं, और मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। अब
क्या करें बताओ, घर तो यही है। ये दोनों बाज नहीं आएंगे। आखिरकार वहां पहुंच ही गए। मान बेटा, उरूज हम सबको धोखा दे रही है। ये देखो, अम्माद ने नौकरी छोड़ने का ड्रामा किया है, जबकि उनकी मुलाकातें सारे शहर में हो रही हैं। ये कब की पिक्चर है? ये अभी रीसेंट। लेकिन ताईजान, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तब की पिक्चर हो जब अम्माद हमारी कंपनी में था। गौर से देखो, देखो गौर से, डेट देखो उस पे। देखो, डेट अभी की डेट है। इसका मतलब है कि वो लोग अभी रास्ते में हैं, सिर्फ ऑफिस खत्म हुआ है। कहाँ की है पिक्चर? कहाँ की है? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अहमियत है इस बात? अहमियत है, बहुत अहमियत है। ताकि रूह से सवाल किया जाए कि वो इस मुकाम पर इमाद के साथ क्या कर रही थी। इस मामले में कहाँ की अहमियत नहीं है, क्यों की है, ये क्यों साथ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा है। अम्माद और उरूज मिलके कंपनी के खिलाफ प्लान बना रहे हैं ताकि इस कंपनी को बर्बाद कर सकें। मेरी नजर में इस कंपनी से ज्यादा मेरी जिंदगी की अहमियत है और मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लगता है तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। तुम्हें शानी के लिए तड़पते हुए देखा है मैंने। तुम भी तो मेरे और अलीजे के रिश्ते को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए इतना सा नहीं कर सकता? इसलिए हौसला और हिम्मत करो और चलो मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चलो निकलो यहाँ से। मैं इस घर में नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी शानी, ये मेरा घर है। मैं समझ नहीं आ रही, निकलो यहाँ से। माने खेज बात करती सलमान ने कि मेरी जिंदगी इस कंपनी से ज्यादा अहम है। बिजनेस तो ठीक चल रहा है, हाँ गड़बड़ तो जिंदगी में है। इसका मतलब है कि सलमान जिंदगी को ठीक करेगा तो इस कहानी के असल किरदार तक पहुंचेगा जिसने लाइफ को डिस्टर्ब किया।
फिर सलमान अपनी लाइफ की स्टोरी से उस नापसंदीदा किरदार को निकाल देगा और यूं हो जाएगी हैप्पी एंडिंग। क्या बात है इद्रीस, क्या दिमाग पाया। तुमने एक बात नोट की अमाद? वो क्या? वो चौकीदार कुछ अजीब सा था ना, उसने हमसे कोई ठीक से बात की ना हमें घर के अंदर जाने दिया उसने। जाहिर सी बात है, जब हमें मालूम नहीं है कि वहाँ रहता कौन, तो वो हमें अंदर कैसे जाने देता और हमें क्यों बताता? हाँ लेकिन पता तो चले कि वहाँ रहता कौन है, उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा मार्बल किसने रिसीव किया। क्या मार्बल किसने रिसीव किया ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये मालूम करना है कि मार्बल सेल किसको किया गया। देखो अगर तुम चाहती हो कि हमें ये मालूम हो कि वहाँ मार्बल किसने रिसीव किया है, तो हम कंपनी से भी जाकर मालूम कर सकते हैं, वो हमें इजीली सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। हाँ ठीक कह रहे हो, वो तो पता चल ही जाएगा। देखो इंफॉर्मेशन मालूम करना सिर्फ एक मिनट का काम है, लेकिन एक्चुअल में तुम अपने ताया जान को एक्सपोज नहीं करना चाहती हो। फिलहाल तो मुझे किसी को एक्सपोज नहीं करना, मुझे फाइनेंस देखना है, लूपहोल तलाश करके इस सिस्टम को सिक्योर बनाना। ओके। सर वैसे आप बड़े होशियार बनते हैं, ये क्या गलत हरकत कर गए? क्या गलत कर गया? सलमान साहब को तस्वीर दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? तो और क्या करता, रोज हमारे गिर्द रतन कर रही है। हमारे गिर्द नहीं सर, आपके गिर्द, आप भूल जाते। मुझे कुछ हुआ तो तुम भी इसमें शामिल हो गए, मत खुद मैं वादा माफ गवाह बन जाऊंगा। नमक हराम हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते। ये मावरा आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा बॉस। अच्छा बातें मत बनाओ। अगर सलमान साहब को ये पता चल गया कि ये तस्वीर कहाँ की है तो आप क्या करेंगे? मैं वहां तक सोच नहीं रहा। ऐसा क्यों? बात वहां तक जाएगी, उससे पहले हमारे खिलाफ साजिश करने वालों का बेड़ा हरक हो जाएगा। अच्छा सोचो। करो बुरा सोचो अच्छा, ये कैसे होगा बॉस? नवाज मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। बॉस परेशानी तो वहां हो रही होगी जहां फसाद की चिंगारी फेंक कर आए। सलमान साहब ऑफिस से घर पहुंच गए होंगे। अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो सारे मसाइल का हल कराएगा। समझे? हकीकत ये कि वो हरगिज़ चलाक नहीं। तुम्हारी भूल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतनी रियायत भी दे देती हूँ, जब तुमने उस अरूज को पसंद किया था, शादी के लिए चुना था अपने लिए, तब वो तुम्हारी अरूज सादा थी, मगर अब जब से वो लड़का माद यहाँ आया है ऑफिस में, तब से अरूज बदल गई है। चोट देगा हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। क्या जिंदगी हो गई यार, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सर उठा लेती है।
सलमान, कुछ सोच रहे हो तुम? बाबा, मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपा रहे हो तुम? कोई बात नहीं है मामा, बस एक मसले में उलझ गया। तुम्हारा एक ही मसला और वो है अरूज। तुम्हारी खामोशी बता रही है जो मैं कह रही हूं वो दुरुस्त है। प्लीज मामा, बस करते हैं। मसला तो मैं जानती हूं, ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? हर इंसान अपने मसले का हल चाहता है। तुम अरूज की मौजूदगी में उसके सामने अपनी प्रॉब्लम का हल चाहते हो? पहले ही बहुत डिस्टर्ब, प्लीज मुझे और डिस्टर्ब ना करें। खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की सलमान। क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की शादी थी ना, जवाब दो। ऐसा ही था ना? हाँ, ऐसा ही था। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी, तुमने नहीं। क्या हो गया है तुम्हें सलमान? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही कह रहा हूं जो सच है। और सच क्या है? सच ये कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। देखो अब तुम गलत बात कर रहे हो। अरूज, अरूज तुम भूल रही हो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, ये तो तुम मेरी जिद के आगे मजबूर हो गई। वरना पूरी नहीं, मोहब्बत का इकरार किया था तुमसे। तुमसे मोहब्बत की शादी की है मैंने सलमान, और मैं बहुत खुश हूं इस शादी से। फिर गलत कह रही हो तुम, खुश नहीं हो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे? तो फिर ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्यों मुझे कुछ और दिखाई दे रहे? हैरत जो है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं बात का, वो सब तुम्हें दिखाई दे रहा। अच्छा,
क्या ही है। इदरीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके पास आ रही थी, बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो मेरी। इदरीस भाई, मैं सलमान की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं आजकल सलमान किस बात पे इतना परेशान रहने लगा है। ऐसे ही है, सलमान परेशान तो है। आपको तो उसकी असल वजह मालूम होगी ना? नहीं, वजह तो सलमान को ही मालूम होगी। वो तो कुछ बता ही नहीं रहा। अभी मैंने उससे पूछा तो कहता है कोई बात नहीं है, खुदा जाने उसकी परेशानी क्या है। मगर मुझे यकीन है मेरीन की उसकी परेशानी की वजह सिर्फ उरूज होगी। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर ये बात सलमान खुद भी तो कहे। कैसे कहे, उसे शर्मिंदगी होगी ना। किस बात की शर्मिंदगी मेरीन? तुम तो जानती हो उसने उरूज से अपनी पसंद की शादी की है, वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तो फिर? तो वो अरूज की बुराई कैसे कर सकता है, वो भी तुम्हारे सामने। मतलब सलमान जो बता नहीं पा रहा, उसकी असल वजह उसकी ये शर्मिंदगी है। वो किसी के सामने अरूज को गलत नहीं कह सकता, जबकि वो गलत है। आप लोग भी ना बहुत अजीब हैं इदरीस भाई। शादी के वक्त तो आप दोनों मियां बीवी एक हो गए थे और मुझे अकेला छोड़ दिया था इस अरूज के लिए। तुम ठीक कह रहे हो, वो हमारी गलती थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसका अजाला कर सकते हैं। अजाला? मगर वो कैसे? सलमान की जिंदगी से इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल के। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि इस बात की वजाहत के लिए तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है। जब से इस घर में आई हूं वजाहत ही तो दे रही हूं। रोज बात बदलने की कोशिश ना कर, जो मैंने पूछा है वो बताओ। क्या है ये तस्वीर? बिल्कुल सही है। इसमें मैं और अमात ही है। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। और तुम्हें इस बात से बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है? मैं पूछ रहा हूं क्यों है ये तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तुमने मुझे कहा कि उसे कंपनी से निकाल दो, निकाल दिया। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने दोस्त से भी नहीं मिल सकती। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे, बताओ मुझे। दोस्ती का? इस
वफादारी का। वफादारी का यार। बस सलमान, आप बस। क्योंकि अगर अब तुमने बोला ना तो हमारे बीच बोलने को कुछ नहीं बचेगा। ये जो कुछ हुआ है इसे देखकर आप क्या कहेंगी? हौसला रखो सलमान, बात ऐसे नहीं होगी जैसे तुम देख रहे हो। ताईजान, आप इस सिचुएशन को बहुत लाइट ले रही हैं। हाँ, ऐसे ही करना होगा हमें। लेकिन ये बात आपने मुझसे पहले भी कही थी कि रूज के साथ नरम रवैया इख्तियार करो। लेकिन तुमने उसके साथ नरम रवैया रखा तो नहीं था। देखें, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बता दें मैं क्या करूं। तेरे हवाले दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।